चलो बताओ। फिर से बोला बलराम महतो का कहना है, विलेज के देसी जुगाड़ करने वीडियोस। विलेज में देसी जुगाड़ कहाँ, आजकल विलेज में देसी जुगाड़ खत्म हो गया भाई। विलेज में आजकल विदेशी आ गया है, आजकल कोई देसी जुगाड़ से काम नहीं करता, सब कुछ मशीन से होता है। जैसे मार्केट एरिया में होता है ना, उसी टाइप से होता है। देसी जुगाड़ आजकल खत्म हो गया, कोई करता ही नहीं है, ये बात है। समझा? ऐसे हम लाइव आते हैं, हर एक 2-3 दिन बाद बात तो आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं लगता, पहले ये बताओ। ऐसा लाइव आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? आप लोग से बातचीत करना चाहिए था कि नहीं बातचीत करना चाहिए था, कि अपना मन मर्जी करना चाहिए था, बताओ। बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ, तुम लोग बताता नहीं है। तुम लोग बताएगा तब ना मेरे को कुछ हेल्प होगा। सबसे पहले बताओ, वॉइस कैसा आ रहा है? वॉइस क्लियर आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा तो मेरे को पंखा बंद करना पड़ेगा। वैसे मैं पंखा को स्लो कर दिया हूँ, अगले बार मैंने लाइव चलाया था पंखा मेरा स्पीड ही था, हम स्लो नहीं किए थे, तो कहीं कहीं मेरा दिक्कत आ रहा था वॉइस में, मतलब वॉइस आगे पीछे हो रहा था, नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा था। अभी तो वो इशू नहीं ना हो रहा है, बताओ तुम लोग जल्दी बताओ। वॉइस क्लियर आ रहा है, नेटवर्क इशू नहीं हो रहा है? एक फिक्स टाइम बता दीजिए पहले ही, कब आप लाइव आओगे? बड़ा माता का कहना है फिक्स टाइम, इसी टाइम मान लो ना, यही टाइम मान लो, खाना वाना खाने के बाद 2 या 3 बजे के बीच, यही टाइम लाइव आते हैं ना। तो एक चीज मेरे को अच्छा लगता है कि आप लोग से बातचीत करने का मौका मिलता है। आप लोग को किस किस टाइप का कंटेंट चाहिए, किस किस टाइप का नहीं कंटेंट चाहिए, आप लोग कहाँ से देखते हो मेरे को, कहाँ से नहीं, थोड़ा लगाव टाइप का ज्यादा महसूस होता है लाइव आते हैं, इसीलिए अच्छा लगता है मेरे को भी लाइव आना, आप लोग से बातचीत करना अच्छा लगता है, इसीलिए बता दे रहा है कि देखेंगे, मतलब 2-3 दिन में एक बार लाइव आ ही जाएंगे आप लोग से बातचीत करने के लिए, समझा? ज्यादा देर के लिए नहीं, मिनिमम 20 मिनट मान लो, और अधिक से अधिक 30 मिनट के लिए, मैंने 20 से 30 मिनट के लिए लाइव आएंगे, ज्यादा देर तक नहीं आएंगे। बाकी जिसको जिसको देखना है बाद में, जो लाइव वीडियो सेव रहेगा वहां से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझा? हरी माथो का कहना है, एक बार मनोज को लेके मॉल में रिएक्शन वीडियो बना ना, कैसा रहेगा? हाँ एकदम मस्त रहेगा भाई, पूरा पूरा खतरनाक रहेगा। ठीक बोलते हैं, तो मनोज के लेके मॉल जाना पड़ेगा, या तो प्रभातम जाएंगे या तो बिग बाजार जाएंगे, बस बहुत पैतरा है उसका कपड़ा खोल के दिखाने का, तो वहां पे बोलेंगे कितना हिम्मत है बाबू। मनोज अगर वीडियो तुम मेरा देख रहा होगा ना, तो तुमको हम बोलते हैं कि आओ कभी। हाँ 3-4 बॉडीगार्ड से, एकदम बढ़िया बोला है रीमा, तो एकदम बढ़िया बोला, 3-4 बॉडीगार्ड। ठीक है, मनोज को बोलना पड़ेगा, अगर मनोज मेरा वीडियो देख रहा है तो बाबू बता रहे हैं तुमको, चलो एक दिन मॉल पे, समझा? बॉडी बिल्डिंग तुम लोग मस्त करना, बीच में हम रहेंगे, मतलब दूसरों को लगना चाहिए कि मेरा बॉडी गार्ड है, फिर लोग भी सोचेगा कि कहाँ का कुत्ता आ गया भाई, 4-5 को बॉडी गार्ड लेके, समझा? अच्छा रहेगा, ये वाला टॉपिक तुम मस्त बोला। अभी धूप में उन लोग भी निकलता है कि नहीं निकलता? मनोज बोलता है धूप में निकलेंगे, करिया हो जाएंगे साल, क्या पता। नेक्स्ट लेवल रिएक्शन होगा हरी मातो, रिएक्शन तो खतरनाक वाला होगा, नेक्स्ट लेवल नहीं होगा। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, तो मेरा जो रिसेंट वीडियो था वो कैसा था, जो अभी रिसेंट वीडियो हम डाले थे, जैसे कि एडसेंस पिन वाला वो कैसा था, उससे पहले प्लस फुल वाला वो कैसा था, उससे पहले चिकन पार्टी वाला वो कैसा था, उससे पहले पीएम मोदी वाला वो कैसा था, उससे पहले पुष्पा का बीटीएस था वो कैसा था, उससे पहले पाठाचोर का बीटीएस था वो कैसा था, अभी रिसेंटली जो वीडियो डाले हैं उस सबको लेके बताओ तुमको, वो सब वीडियो मेरा कैसा लगा, अगर देखा है तो। नहीं देखा है तो डायरेक्ट बोल दो भाई नहीं देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जबरदस्ती वाला सीन नहीं है।